नाजरीन मुतारिफ कराते हैं आपको इस बड़ी खबर से जो जुनूबी कश्मीर से निकल के सामने आ रही है जी। दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग इनकाउंटर्स हुए हैं। जिला पुलवामा में भी इनकाउंटर हुआ है, कल देर रात गए वहां पे तलाशी अभियान स्टार्ट कर दिया गया था जो कि बाद में इनकाउंटर में तब्दील हो गया। और इसी के साथ साथ जिला कुलगाम में भी इनकाउंटर हो चुका है और दोनों जगहों पर दो दो अस्करियत पसंदों को मार गिराया है। कुल तादाद में 4 अस्करियत पसंद कल शाम से लेकर अब तक मार दिए गए हैं। और मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर आप सबसे पहले देख रहे हैं वॉइस ऑफ कश्मीर न्यूज़ डेस्क पर। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आमिर भी जुड़ रहे हैं फ़ोन कॉल पे। सीधे रुख करते हैं आमिर का। जी आमिर साहब आप हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं, तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि दो जगह पे अलग अलग दो इनकाउंटर्स हुए, तो क्या इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है जी? जी उबैद, कल अगर बताया जाए कि कल देर रात दो जगहों पे सुरक्षा बलों ने जो है कि तलाशी अभियान चलाया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी अभियान चलाया। वही पुलवामा की बात करें, कल शाम को ही पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी अभियान चलाया माचल एरिया में, जो कि माचल एरिया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ही एरिया पड़ता है। थोड़ी देर बाद ही फायरिंगों का सिलसिला तबादला शुरू हुआ, जो कि सर्च ऑपरेशन एक तब्दील हुआ एनकाउंटर में। जो ही तब्दील हुआ तो दो मिलिटेंटों की मारे जाने की खबर जो कि पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी जी। वही कुलगाम की बात करें, कल देर रात कुलगाम में सुरक्षा पार्टियों ने जो कि तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान ही दो लश्कर के मिलिटेंटों ने फायर किया, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो भी पुष्टि कर दी है, वो भी मारे जा चुके हैं। जो है तलाशी अभियान जारी है और दो और छुपे होने की अस्करियत पसंदों की छुपे होने की खबर है जी। जी आप मुझे बताया, जो पुलवामा में दो को मार गिराया, क्या वो भी लश्कर तैयबा से ही वाबस्ता थे या किसी और तंजीम से जी? उबैर आपको बताता चले कि इसके तरफ से अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। हालांकि कुलगाम में जो कि एनकाउंटर अभी चल रहा है, ये सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, एनकाउंटर खत्म हो चुका है, दो ये मिलिटेंटों को दो लाशें बरामद की गई है, वो लश्करे तैयबा से वाबस्ता है जी। जी आप मुझे ये भी बताएं, क्या इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई है या अभी चल रही है? जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि इंटरनेट खदमात जो है वो 8 तारीख पे नहीं छीनी जाएगी, बंद नहीं की जाएगी, तो इस हवाले से बताएं क्या कुछ अपडेट है आपके पास जी? जी अगर जी बात करें, पहले भी इनकाउंटर यहाँ चिमेर कुलगाम में खींचा था, वहीं पे थोड़ा सा इंटरनेट की सुविधा है जो कम कर दी गई थी। हालांकि एयरटेल में भी कम कर दी गई थी, लेकिन आज की बात करें, आज जो है 8 जुलाई का भी दिन है, तो कुरान वाणी का भी दिन है, जो कि आला हिजब के कमांडर थे वो, उनका भी दिन आज जो है मनाया जा रहा है। तो इस बात पे जो आईजीपी कश्मीर जो है कल उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि हालांकि नेट बंद नहीं होगा, लेकिन कल देर रात ये जो इनकाउंटर खींचा इसी के हवाले से नेट को जो है कि मुअत्तल कर दिया गया है जी। जी आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं इस बड़ी खबर के लिए। आप नजर बनाए रखिए, जैसे कि आपने कहा कुलगाम में अभी भी सर्च जो ऑपरेशन है वो जारी, आप नजर बनाए रखिए, क्या कुछ निकल के फिर से सामने आता है आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।